हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सांचौर में शुरू होगा निःशुल्क कोविड केयर सेंटर। कोविड 19 की दूसरी लहर में बढ़ते संक्रमण के मामलों को देखते हुए सांचौर में एक और कोविड केयर सेंटर खोलने का काम शुरू किया गया है। सांचौर स्थित राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक 50 बेड के निःशुल्क कोविड केयर सेंटर का काम युद्ध स्तर पर शुरू किया गया है। उम्मीद है कि अगले 24 घंटे में ये सेंटर बनकर तैयार हो जाएगा और जरूरत पड़ी तो बेड्स की संख्या बढ़ाई जाएगी। यहाँ मरीजों के लिए तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसमें ऑक्सीजन, दवाइयाँ, मेडिकल स्टाफ, भोजन आदि शामिल है। इस सेंटर के प्रशासन के साथ साथ भामाशाहों में मदद ली जा रही है। ऑक्सीजन के लिए मुंबई के भामाशाहों ने विशेष योगदान दिया है। मैं सांचौर के धरती पुत्र भामाशाहों से निवेदन करता हूं कि इस नेक काम के लिए जो भी संभव हो अपना योगदान दे। इस निर्माणाधीन निःशुल्क कोविड सेंटर का CMHO डॉक्टर गजेंद्र सिंह देवल, SDM श्री भूपेंद्र यादव, प्रधान प्रतिनिधि हिंदू सिंह जी धुरवा, चेयरमैन श्री नरेश सेठ, CA सत्येंद्र बिशोई, BCMO डॉक्टर ओम प्रकाश सुथार, हॉस्पिटल इंचार्ज डॉक्टर मनोज बिशोई ने निरीक्षण किया। इसी तरह हाड़ेचा CHC पर 25 बेड के प्रस्तावित कोविड सेंटर का CMHO डॉक्टर गजेंद्र सिंह देवल, प्रधान प्रतिनिधि हिंदू सिंह जी दुर्वा, चेयरमैन श्री नरेश सेठ, CA सत्येंद्र बिशोई, BCMO डॉक्टर PR बोस द्वारा आज निरीक्षण किया गया। मैंने अपने विधायक मत से 2 करोड़ रुपए 18 वर्ष के ऊपर वाले युवाओं के निःशुल्क वैक्सीनेशन हेतु वैक्सीन खरीदने के लिए राशि स्वीकृत करने की अनुशंसा जिला कलेक्टर जालौर को प्रेषित की है। इससे पूर्व भी मैंने 45 लाख रुपए ऑक्सीजन प्लांट के लिए व 42 लाख की राशि कोरोना रोकथाम के लिए उपकरण खरीदने हेतु दिए थे। आने वाले दिनों में और भी जरूरत पड़ी तो विधायक मत या दूसरे स्रोतों से मदद की जाएगी। मैं इस महासंकट के समय में आपकी हर संभव मदद की कोशिश में लगा हुआ हूँ, लेकिन हालात आपके सामने है। कोरोना से इस जंग में हर व्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण है। राज्य में कल से 24 मई की सुबह तक और सख्त लॉकडाउन लागू हो रहा है। इस दौरान आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि खुद के लिए, खुद के परिवार के लिए, समाज, राज्य और देश के हित के लिए खुद पर अनुशासन बनाकर रखें। किसी भी सूरत में घर से बाहर न निकले। आगामी 2 हफ्ते अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये वक्त हमारे लिए परीक्षा व कोरोना की भयानक चेन तोड़ने का है। सादर सुखराम बिशोई, वन पर्यावरण व खाद्य आपूर्ति मंत्री, राजस्थान सरकार। जागरूक टीवी की सांचौर से खास रिपोर्ट।